नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो आपको लेकर के आया हूँ स्वराज का बहुत ही पावरफुल ट्रैक्टर। हालांकि दोस्तों इसकी HP कैटेगरी कम है, लेकिन पावर में दोस्तों किसी भी 50 HP को खींचने की ताकत रखता है। तो आज इस ट्रैक्टर के बारे में हम बात करने वाले हैं, पूरी जानकारी देंगे, कितने HP का ट्रैक्टर है, कितना इंजन है, कितना टॉर्क है, कितने में ऑन रोड पड़ेगा, वो भी हम आपको बताएंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबसे पहले दोस्तों इस ट्रैक्टर का आप एक बार लुक देखोगे तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। पूरा जो लुक है आगे से पीछे तक स्टैंडर्ड है और बहुत ही प्यारा लगता है, किसानों को बहुत पसंद है इस तरह का जो लुक है ट्रैक्टर का। हालांकि कंपनी ने वैसे नया लुक भी लॉन्च कर दिया है, लेकिन इस मॉडल में वो लुक आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि किसान इस मॉडल में बहुत पसंद करते हैं ट्रैक्टर के लिए इस वजह से। तो आपको यहाँ पे स्वराज 735 FE के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। फ्यूल एफिशिएंट ट्रैक्टर है दोस्तों, पूरी पावर अपनी निकाल के देता है 40 HP की, वो मात्र 1800 रेटेड RPM पे। दोस्तों 2734 CC का पावरफुल इंजन है पूरा, और पूरा जो वर्क करता है वो 1800 रेटेड RPM पे वर्क करता है। 3 सिलेंडर का ट्रैक्टर है, बोस कंपनी के इनलाइन फ्यूल पंप के साथ है। थोड़ा सा जूम करके पास अगर दिखाएंगे तो यहाँ पे पूरा आपको 3 सिलेंडर देखने को मिल जाएंगे। बोस कंपनी का इनलाइन फ्यूल पंप आपको मिलेगा देखने के लिए। आपको ऑयल वाइथ टाइप का पूरा तेल में डूबा हुआ एयर फिल्टर मिल जाता है, जो 3 स्टेज क्लीनिंग के साथ आता है। हवा जो होती है 3 जगह छन करके प्योर हवा ट्रैक्टर में जाती है, जिससे कि ट्रैक्टर की लाइफ और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। उसके बाद नीचे से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको डीजल फिल्टर दे रखा है, वाटर सेपरेटर दे रखा है, पानी तेल में अगर बन जाए तो यहाँ से नोब को खोल करके पानी को आसानी से निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरा इस तरह से आपको लुक देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों एक बार अगर बात करें इसके टायर्स के बारे में, जो आगे के टायर्स आपको C8 के हैं वो 6/16 के मिल जाएंगे देखने के लिए, और जो पीछे के टायर्स हैं वो आपको मिलेंगे 13/6/28 के ऑप्शन में। तो आगे से अगर आप देखेंगे दोस्तों तो इस तरह से लुक देखने को मिलेगा, बहुत ही प्यारा लुक है, बहुत ही ज़्यादा जैसे बाइक्स में बुलेट बाइक लोगों को बहुत पसंद है, और उसका जो उस पर जो किसानों का जो प्यार है ना वो कभी कम नहीं होगा। इसी तरह से स्वराज में ये जो लुक है वो दोस्तों किसानों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, और इस ट्रैक्टर पर खास करके लोगों का जो प्यार है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। तो इस तरह से लुक आपको मिलेगा, वही आपको स्टैंडर्ड हैलोजन हेडलाइट्स का सेटअप मिल जाएगा, स्वराज का यहाँ पे प्लेट लगी हुई मिल जाएगी, काफ़ी बड़ी जाली ज़्यादा हुआ ट्रैक्टर में जा सके, ट्रैक्टर लंबे समय तक बिना गर्म हुए ठंडा ठंडा चल सके। ट्रैक्टर फ्यूल एफिशिएंट इसीलिए बनता है दोस्तों, ट्रैक्टर जितना ठंडा चलेगा उतना ही अच्छा माइलेज आपको देगा, ये खास बात है। तो इसीलिए इसमें जाली दे रखी है ताकि हवा ज़्यादा से ज़्यादा जाए और ट्रैक्टर ठंडा चले बिना गर्म हुए। पूरा लाइट आपको दे रखी है। अब आप दोस्तों अगर आपको इधर से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वो आपको सेम 1635 FE सिंगल स्टार की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। दोस्तों इसी मॉडल में आपको XT भी मिल जाएगा, जैसे ये FE है वो आपको XT होगा, उसमें टॉर्क आपको ज़्यादा मिलेगा थोड़ा सा, वो टॉप मॉडल होगा, ये सेकंड टॉप है। इसमें भी आपको पावर स्टीयरिंग ट्रैक्टर है दोस्तों, ये आपको देखने में लगेगा ये पावर स्टीयरिंग नहीं है, लेकिन ये पावर स्टीयरिंग है, उसका सेटअप स्टीयरिंग में ही आपको दे रखा है, पूरा ये पावर स्टीयरिंग ट्रैक्टर है। इसमें आपको यहाँ से देखने को लगेगा कि बिल्कुल मैकेनिकल स्टीयरिंग है, लेकिन रियल में ये पावर स्टीयरिंग ट्रैक्टर है। बैटरी बॉक्स दोस्तों बाहर दे रखा है, शुरुआत से आपको बाहर ही देखने को मिलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपनी जगह पे सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और डबल पंप आपको दे रखे हैं, देखो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि ये पावर स्टीयरिंग है, एक जो पंप है वो पावर स्टीयरिंग का है, दूसरा पंप आपको हाइड्रोलिक का आपको दे रखा है। ये दे रखा है आपको इंजन ऑयल का फिल्टर, हाइड्रोलिक फिल्टर, सेल्फ स्टार्टर मोटर आपको यहाँ पे दे रखी है, काफ़ी बड़ी इस तरह से आपको लुक देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों डिपर्स भी आपको दे रखे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, यहाँ पे बहुत ही यूनिक से डिपर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं ट्रैक्टर के प्लेटफॉर्म के बारे में, तो प्लेटफॉर्म आपको वही स्टैंडर्ड मिलेगा देखने के लिए, सिंगल स्टेप चढ़ने के लिए दे रखा है, इसमें पैर रखे आराम से ट्रैक्टर के ड्राइवर सीट पे पहुंच सकते हैं आप। तो मैं एक बार बैठ के आपको दिखाता हूं, बहुत ही आसानी से आप बैठ सकते हैं। दोस्तों ड्राइविंग लाइन जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त है, कोई भी आपकी हाइट है, कोई भी आपका वेट है, अपनी हाइट और वेट के हिसाब से सीट को भी आप जैसा चाहो वैसा एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे दे रखे हैं दोनों के साइड गियर आपको दे रखे हैं, साइड गियर में ट्रैक्टर पूरा का पूरा पावर स्टीयरिंग है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक बार ट्रैक्टर पर बैठ के कैसा लुक आपको मिलता है वो मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं ट्रैक्टर का बहुत ही ज़्यादा शानदार लग रहा है देखने में। और जो डैशबोर्ड है आपको वो भी स्टैंडर्ड दे रखा है आपको, सारे के सारे जो आपको फ्यूल मीटर है, ट्रैक्टर का जो टेम्परेचर है, इंजन ऑयल का प्रेशर, RPM सारा कुछ आपको स्टैंडर्ड दे रखा है, जो कि एनालॉग में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों पावर स्टीयरिंग दे रखी बहुत ही छोटी, हॉर्न के साथ में स्वराज के लोगों के साथ में यहाँ पे दे रखा है, रेस का लीवर यहाँ पे हो गया। अब दोस्तों नीचे से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये लेफ्ट राइट टर्न इंडिकेटर का दे रखा है, स्टैंडर्ड है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, कोई फालतू की चीज़ में नहीं है। ये आपका दे रखा है हेडलाइट्स के लिए, और ये इग्निशन हो गया। और उसके बाद अगर बात करें इसके क्लच के बारे में, तो इसमें जो क्लच है वो डुअल क्लच है, जब इसको आधा प्रेस करेंगे तो गियर्स और पूरा प्रेस करेंगे तो आपका PTO ऑपरेट हो जाएगा। बात करें यहाँ पे इसका ब्रेक्स के बारे में, तो ब्रेक्स भी आपको OIB मिलेंगे,
तेल में डूबे हुए मल्टी डिस्क ब्रेक आपको मिल जाएंगे यहाँ पर देखने के लिए। फुटरेस्ट भी आपको दे रखे हैं। जब आप इसको ट्रैक्टर को लंबे समय तक रोड पे चला रहे हैं तो अपने अपने आराम से पैरों को या फिर जुताई कर रहे हैं तो अपने पैरों को रेस्ट में लेके आ सकते हैं। जो मेन गियर का लीवर वो यहाँ पर दे रखा है, इसमें आपको 1, 2, 3 और रिवर्स का दे रखा है, और सेकेंडरी जो दे रखा है वो यहाँ पर दे रखा है जिसमें लोअर हाई दे रखा है। इस तरह से आपको 8 फॉरवर्ड में और 2 रिवर्स में गियर्स आपको मिल जाता है, जो कि पार्शियल कॉन्स्टेंट मैच का गियरबॉक्स आपको देखने को मिल जाता है। पीछे से आपको यहाँ पे पोजीशन और ड्राफ्ट कंट्रोल की लीवर आपको दे रखे हैं, जिनसे अपने इंप्लीमेंट को जैसा चाहो वैसा आप सेट कर सकते हैं अपने सुविधा के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से। और उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको चार्जिंग के लिए, मोबाइल चार्जिंग के लिए छोटा सा बॉक्स आपको दे रखा है अपनी तरफ से, जिसमें रख करके अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं, गिरने का भी टेंशन नहीं है। और 12 वोल्ट का चार्जिंग स्लॉट आपको यहाँ पर दे रखा है, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, ठीक है। जिससे आप मतलब खेत में चलते हैं तो जेब में से मोबाइल गिरने का कोई टेंशन इसमें नहीं है। और इधर भी आपको टूल बॉक्स दे रखा है जो कि फाइबर का है, जिसमें अपना कोई भी सामान आप रख सकते हैं। सो दोस्तों, अब बात करते हैं इस ट्रैक्टर के पीछे के हिस्से के बारे में, पीछे से कैसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से लुक आपको देखने को मिल जाएगा पीछे से भी, सेम आपको डिपर्स बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। वर्किंग लाइट आपको दे रखी है जो कि बहुत ही तगड़ी और स्टैंडर्ड वर्किंग लाइट है, जब भी आपको जरूरत पड़े आप इसको पूरा ऑपरेट कर सकते हैं, पूरी दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करें दोस्तों इसके जो लोअरिंग और पट्टियाँ आपको दे रखी हैं, बहुत ही तगड़ा सेटअप है आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों 35-40 HP की कैटेगरी में आपको देखो कितने तगड़े आपको यहाँ पे ये लोअरिंग आपको दे रखें और पटिया भी काफी तगड़ी दे रखी है। बात करें इसके लिफ्टिंग कैपेसिटी के बारे में, तो ये जो ट्रैक्टर है अपने लिफ्ट से लगभग 1000 kg से ज्यादा का वजन उठा सकता है, 10-12 क्विंटल वजन आराम से उठा सकते हैं इस ट्रैक्टर की मदद से। बाकी का यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं 3-point sensing आपको मिल जाती है, 3 तरह की सेंसिंग, जैसी भी आपकी मिट्टी है, सॉफ्ट है, हार्ड है, बहुत ज्यादा हार्ड है, उसको अपने हिसाब से सेट करके अपना चला सकते हैं। सेंसिंग बहुत प्यारी आपको मिलेगी देखने के लिए। और यहाँ पे टॉपलिंग दे रखी है, होल्डर के साथ में लगी हुई है प्रॉपर। ट्रैक्टर के अलावा पीछे से आपको कोई भी आवाज़ देखने को नहीं मिलेगी पीछे वाले हिस्से से, तो इस तरह का आपको मिल जाएगा। रिफ्लेक्टर दे रखा है, पानी की बोतल 2 लीटर की आप इसमें रख सकते हैं। अगर बात करूँ इसके SFC के बारे में, तो जो SFC आपको इसमें मिल जाएगी वो आपको दे रखी है 258 SFC दे रखी है, जो कि काफ़ी फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है ये ट्रैक्टर। तो 735 पूरा आपको यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सो दोस्तों ये था सौरा 735 FE का पूरा वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों अगर आप इस ट्रैक्टर को खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पे आदर्श मोटर्स बिलसी में आकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगर मैं बात करूँ ट्रैक्टर के प्राइस के बारे में, कीमत के बारे में, तो ये जो ट्रैक्टर है लगभग 6,80,000 के आसपास आपको मिल जाएगा। बाकी डिपेंड करता है आपकी डीलिंग कैसी है, तो कुछ कम ज़्यादा हो सकता है अपने ज़िले के हिसाब से, सिटी के हिसाब से जो प्राइस है वो भी कम ज़्यादा हो सकता है। सो और कुछ आपको पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।